आपके साथ ही प्रॉब्लम क्यों होती है? आप मेरे पीछे बैठती हैं, मेरा जीना आराम हो जाता है, इसके पीछे बैठी बैठी हैं आप। मुझे जीना आराम करने में बहुत टाइम बिठाया है इसको पीछे, जब भी ये बैठी है पीछे प्रॉब्लम हुआ है। मैंने इतना रियलाइज किया मेरा बैलेंस इतना ठीक नहीं है बाइक पर, मैं बोलता हूँ। पर नेहा बैठी है, नेहा उससे हैवी है, मैंने उसको अच्छे से बैलेंस कर लिया। आज तक मैडम क्या करने की कोशिश करती थी, जब मैं टर्न लेता था अपनी टांग नीचे रखने की कोशिश करती थी, उसको लगता था मेरा टर्न बहुत स्लो है तो बाइक गिर जाएगी। दिमाग नर्वस सिस्टम मेरा दिमाग खराब हो गया था पूरा। बैठी है पीछे से कमेंट्स मारी, तभी ऐसा करो ऐसा करो ऐसा कर, बोला अबे तू बाइक कौन यार, पिलियन चुपचाप बैठे रहना, क्या दिमाग का दही कर रही है, अबे बाइक में चला रहे तू चला रही, बैठ मत ना मेरे पीछे, इतना प्रॉब्लम है, हर्षल के पीछे जाके बैठ। मेरे पीछे बैठती तब भी ये कोचिंग देती है कैसे बाइक चलाओ, ऐसे चलाओ इस तरह ऐसे चलाओ, गड्ढे से मत लेके जाओ, साइड से लेके जाओ बेचारा। आई वुडंट आस्क फॉर इट अगेन, बिगिनर यार, विद नेहा, विद नेहा गुड बिगिनर है, एटलीस्ट हर फीट कैन रीच द ग्राउंड, व्हेन आई एम द पिलियन माय माइंड कांट, बात नहीं होती यार। अरे सी आई टेल यू व्हाट, आई एम ऑलवेज नॉट वीक एट दैट स्मॉल टर्न, नेहा को पीछे लेके वो छोटी छोटी टर्न लिया, यू पुट द वेट ऑन द अदर साइड, यहां पे टर्न ले रही है, जहां पे टर्न ली जा रही है गाड़ी की, जो भी आज रोडीज पे कुछ बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। आप लोगों को तो कुछ आइडिया हो ही गया होगा, अब देखते हैं रोडीज का क्या रिएक्शन होने वाला है। मैं तो इनके लिए काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ और पसीने पसीने हो गया हूँ। लो आगे लेट लतीफ। हेलो, सत श्रीकाल, एकदम गांव वाले लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, कैसा फील हो रहा है? अब देखते हैं तुम लोग गांव वालों की तरफ सिर्फ लग सकते हो कि उनकी तरफ जी भी सकते हो। आप एक बड़ा सा खुशहाल परिवार है, ठीक है, जो अलग अलग तीन घरों में रहते हैं, तीन भाई हर्षल, आयुष्मान और वरुण। सबसे बड़े भाई हर्षल जो घर चलाते हैं अपना कैंडी के साथ, ये वाला उनका घर है। वरुण छोटे भाई नेहा के साथ अपना घर चलाते हैं, और आयुष्मान आस्था के साथ, आप दोनों के घर साइड साइड में। और तबीश जो है वो हर्षल का बेटा है। आज हैप्पी बाल है आपको, जलसी तो नहीं हो रही है? हो रही है, जलसी होती है। हमें अपना अपना सारे गृहस्थी के काम करने थे, रोजमर्रा की जिंदगी जीनी थी एक दिन के लिए। आज बहुत दिन बाद मैंने चारा उठाया, उठा के मेरे को तुम्हारी भाभी की याद आ गई। चलो चलो, तो बाहर डालना था, लिटरली बनाना था और चिपकाना था, याक याक लिटरली याक। दोनों हाथों से लेना, दूसरा मुंह में डालेगा। कोई ना बोल रहा है, ऊपर से मेरे नेल्स भी थे, ओह ऐसी हट गई थी, खाना खाना था उसके बाद। कुछ मस्ती कुछ कुश्ती चले अखाड़े। Let's go people! हर्षल आप एक हिटाची होम थिएटर जीत चुके हैं, है ना? पर तबीश को ये मौका नहीं मिला कि वो हिटाची का होम थिएटर जीत सके, तो मैं आज तबीश को ये मौका देना चाहता हूँ कि वो हिटाची का होम थिएटर हर्षल से जीत ले। टास्क के हिसाब से हर्षल और टैब्स को एक दूसरे के अगेंस्ट कुश्ती लड़नी थी। जब मुझे बोला गया हर्षल के सामने, मैं तो फट गया, शिट, वो साला मिला भी तो हर्षल मिला और कोई नहीं मिला। ताबिश को एक फेयर चांस देने के लिए ये कंपटीशन कराया था, और रूल्स भी ऐसे बनाए थे कि वो 90% ताबिश के फेवर में थे। 10 मिनट दिए गए थे और 10 मिनट में हर्षल ने ताबिश को 5 बार डिफीट करना था, और ताबिश अगर एक बार भी उन्हें डिफीट कर देता तो जीत सकता था। बिल्कुल ही आसान गेम नहीं है, हम लोग जंगली कुश्ती खेल रहे थे। Obviously,
इट इज ऑब्वियस कि ताबिश की तरफ हम लोग ज्यादा करेंगे क्योंकि उसको मेंटली साइक करना ज्यादा जरूरी था क्योंकि हर्षल की शक्ल बता रही थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो ऑलरेडी चार्ज्ड है। अरे हालत खराब हो गई थी सबसे पहले जब मैच चालू हुआ, ये भाई पता नहीं क्या बात है सोच रहा था, ऐसा उसकी आंखें ऐसे मुझे देख रहा था, मैं देख के किसके सामने खड़ा कर दिया तो शेर साला आ गया, भाई साला सांड जैसा डबल मेरा वेट उसका। हर्षल के सीरियसनेस को देखकर लग रहा था कि हर्षल आज खा जाएगा, तब मुझे लग रहा था शायद हर्षल जीत जाएगा, लेकिन ताबिश ने जो फाइट दी दैट वाज एक्चुअली माय गॉड। सफर के शुरुआती दिनों में जहां रोडीज एक दूसरे के काफी करीब थे, वहीं सफर खत्म होते होते इनकी एक दूसरे के लिए राय में क्या बदलाव आए, आइए जानें। नेहा के बारे में अब क्या बोलूं? Just gonna have fun out here. शुरू से लेकर आखिरी तक क्या सॉलिड चेंज आया उसके अंदर? नेहा, like I said, I have only praises. Double standards. Manipulative. नेहा एक मिस्ट्री है। मेरे ख्याल से इट्स गुड टू बी आउटस्पोकन। अच्छी बात है कि वो अपने मन की बात सीधे बोलती है, लेकिन कहीं उसे थोड़ा डिस्क्रीटरी होना जरूरी है। वोट आउट के दिन शालीन गया, तुम शुरू हो गए। उसको जिंदगी में सीखना है, उसको जिंदगी में डिसिप्लिन होना है। हाँ। तुम होते कौन है बोलने वाले? क्यों होते मैं अकेला नहीं बोला, तुमने पूछा क्या? हेलो, डोंट प्रिटेंड ऑफ व्हाट यू आर नॉट। नेहा, बस कभी कभार कोई कोई इशू में उसका ज्यादा ही फ्रस्ट्रेशन निकल आता है तो उसके अच्छे अच्छे रिलेशन खराब हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। लड़की अलग है एकदम, जिससे एकदम इतनी फ्रेंडशिप है, एंड में उसी को कुछ गलत बोल दिया, सो मुझे उसका जो डबल पर्सनैलिटी वो पसंद नहीं है। आस्था जैसे पहले पोर्ट्रे की गई थी काफी किडिश है, मुझे नहीं लगता कि वो किडिश है। कनिंग, काफी बार बहुत हर्टिंग स्टेटमेंट्स बोलती है, बोलने से पहले सोचती नहीं है। आस्था भी काफी मुंह फट है, वो अपना दिमाग बिल्कुल नहीं है, उसे जो कुछ और कहेगा वो वही रास्ते से सोचेगी, खुद का ओपिनियन नहीं लेगी। हर्षल सोचते बहुत हैं, कोई कोई और बातों में बहुत ही चुप जाए हैं, ऐसा मरेल आदमी लगा था। He's not a very interesting guy. खाली बाइकर बॉय है तो क्या है, रोडीज में रहने के लिए उससे भी और ज्यादा चीजें चाहिए। Very stone faced. I think Harshal would be pretentious. No comments. ताबिश एक सिली कार्टून है। खानदान नहीं पड़ेगा तुम्हारा आगे, बहुत इरिटेट करता है, सबको हंसाते हैं। बच्चे को ले लियो काम में, खेलने कूदने की उम्र है मेरी, लेकिन उसमें किलर इंस्टिंक्ट है और थोड़े ऑब्नॉक्सियस भी है। He's a fighter.